हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी पराठा रोल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। स्टार्ट। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम चिकन। उसे अच्छी तरह धो लेना है और इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। तिक्का पीस जो बोटी होती है ना, तिक्का बोटी, उस साइज़ में जो है ना चिकन को हमें लेना है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दादर मिर्ची, जिन्हें दलिया मिर्ची भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसमें जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, अब इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर। अपने अकॉर्डिंगली आप इसकी मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। मैंने इधर 1 टीस्पून यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर का जो है वो ऐड करेंगे इसमें, और 1/2 टीस्पून जो है टिक्का मसाला, नेशनल टिक्का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, वो यूज़ करेंगे। वो इसलिए यूज़ करेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर और टेक्सचर जो है टिक्के का वो आ जाए, और अच्छी तरह इसको जो है मिक्स कर लेना चिकन को। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच विनेगर के, सिरके के, और 2 ही टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, अब इसे अच्छी तरह चिकन को जो है मिक्स कर लेना है। और अब डालेंगे, ऐड करेंगे 2 चम्मच दही के इसमें, ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और ये जो है हमारा पराठा रोल का जो मिक्सचर है, चिकन का मैरिनेटेड मिक्सचर, वो रेडी हो गया है। अब इस मिक्सचर को प्रिपेयर करके 1/2 आवर के लिए साइड पे रख, आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम पराठा रोल के लिए जो है ना चिकन को तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 मीडियम साइज़ प्याज, उसको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह, और ऑयल में उनको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाते फ्राई करेंगे। जी, प्याज फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है ना मिक्सचर मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन, जो कि आधा घंटा पहले हमने मैरिनेट किया था, और अब इसे को ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये गल जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमने पानी डाल दिया और ये बबल्स आने लगे हैं। अब इसको कवर कर देते हैं और ये हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। इसको श्रेडेड कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पराठा रोल का जो चिकन है वो रेडी हो गया हमारा। पराठा रोल की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं खीरा, उनको स्लाइस में कट कर लेंगे, और लेंगे हम अनियन रिंग्स, उसको ठंडे पानी में 1 चम्मच सिरके के साथ 5 मिनट के लिए भगो के रख देना है, और उसके बाद इसको यूज़ करना है ताकि बाजार जैसे इसका जो फ्लेवर है टेक्स्चर है वो बाजार जैसा हो। और इसके अलावा हमें चाहिए सॉसेज। सॉस बनाने के लिए जो है वो लिया है 1 चम्मच मायो का, 1 चम्मच केचप का, और 1 ही चम्मच
चिली सॉस जो थी उसका, आप इसके अंदर मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो उनको सबको मिक्स करके ये सॉस बना ली है। अब लेंगे हम पराठा और इसके ऊपर लगाएंगे सॉस। आप सॉस अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बनाई हुई सॉस को यूज़ कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से लगा देनी है। जो चिकन है उसकी एक लेयर रखेंगे, लगाएंगे दरमियान में, ताकि जो रोल है इजीली जो है रोल के शेप में आ जाएगी। ये एक चिकन की लेयर लगा दी है हमने। ज़्यादा मोटे नहीं करेंगे, उससे ये होगा कि रोल जो है वो ज़्यादा ही जो है वो मोटा सा बन जाएगा, इसलिए नॉर्मल लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर रख रही हूँ मैं खीरे और जो अनियन रिंग्स थे उनके एक लेयर लगाएंगे। और ये हमारा जो पराठा रोल है वो रेडी हो गया। सो घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है। क्या बात है पुत्र जी, शाबाश।